अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बर्गलर्स चैनल। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो। और कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले मैंने क्या किया है, प्याज को हल्का सा पिंक कर लिया है। एक दो दिन से शूट भी नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था। और मूवी हो रहा था परसों, मैंने बनाया था चिकन हांडी, लेकिन मूवी में वो वीडियो शूट करने का ऑलरेडी मेरी स्केच पे भी यूट्यूब पे वीडियो है भी चिकन हांडी की, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो देखो, ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही मज़े की रेसिपी है वो भी। तो प्याज पिंक हो रही है, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को जलाना नहीं, बिल्कुल मतलब हल्का हल्का पिंक पिंक का ही रखना है, थोड़ा जैसे बस क्रिस्पी हो जाए लेकिन कलर ज़्यादा चेंज ना हो। तो फिर इसके बाद ये है भिंडी, भिंडी कटी हुई है, इसके अंदर हरी मिर्च काट ली हैं, और ये जो लाल वाली मिर्च होती है ना गोल वाली, इसको हमने काट लेना है, तीन चार ले लो। और इसके अलावा लहसुन अदरक पेस्ट भी इसी में डाल लिया है, और ये हल्दी थोड़ी सी डाली है। बिल्कुल हरी मिर्चें भी आप चार पांच ले सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो, सही है। बस फिर ये हमारी प्याज जो है देख सकते हो ये हो रही हैं हल्के हल्के पिंक, इसको थोड़ा सा सॉस और करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे थोड़ा सा, लास्ट में हम इसमें फिर नमक डालेंगे, सही है। तो प्याज हल्की सी कच्ची कच्ची हो गई थी तो मैंने इसके अंदर डाल दी भिंडी, और भिंडी में जो जो चीज़ें डाली मैंने सब बता दी मैंने आपको, लहसुन अदरक वगैरह सब उसी में डाल दिया था। फिर इसको डाल के मिक्स कर दिया अच्छे से, देख सकते हो इसको थोड़ी तेज़ आंच में हम थोड़ी देर तक पकाते रहना है, सही है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ी देर पकाने के बाद इसको हल्के आँच पर छोड़ देना है ताकि भिंडी जो है वो गल जाए, सही है। बस इतना ही काम होता है भिंडी में। फिर इसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, मैं खाना बनाने के बाद ये हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे ये इमली का पल्प, सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब बस मैंने इसको ढक के रख दिया है, और बस 5-10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी, बिल्कुल स्लो आंच पे रख दिया मैंने। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और कल भिंडी बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, तो बस इतना सा ब्लॉग बना था कल का। मैंने सोचा कि क्यों ना आज का ब्लॉग भी ऐड कर दिया जाए इसमें। तो सुबह में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम है, तो बहुत दिनों बाद मैंने जैम लिया है, और मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था जैम खाने का, तो हम लोग ख़रीद के लेके आए थे, कल ही ख़रीद के लेके आए थे, तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था खाने का, और बचपन की यादें ताज़ा हो गई बस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बचपन में सब बच्चों ने जैम तो ज़रूर खाया होता है, मैंने बड़े होकर भी खाया, लेकिन बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई होती है ना जैम से। तो फिर बस उसके बाद रात में क्योंकि थोड़ी सी भिंडी ना मैंने बचा ली थी, तो कुरकुरी भिंडी डाली थी हम लोगों ने, मैं बता देती हूँ इसकी रेसिपी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो हम लोगों ने क्या करना है, चिप्स के स्टाइल में काट लेना है भिंडी को, इसके पहले धो के सुखा के, फिर उसके बाद हमने चिप्स के स्टाइल में काट लेना है। उसके बाद हमने इसमें डालना है नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस, ये चार चीज़ें डालनी है। फिर इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है तेज़ आँच पे, जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो डालें, फिर फ्राई कर लें, देखें बन चुका है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दो, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।